ब्रो भाई बर्रातासियो भाई जानसू आ गया तुम्हारा एक और नई वीडियो में जहाँ पे आज हम लोग फिर से खेलने वाले पोकेमॉन अल्ट्रा सन एक्सट्रीमली रैंडमाइज वर्जन। तो अगर तुमको लास्ट एपिसोड में याद है हमने टीम में एक पोकेमॉन लाया था, फिलहाल हम यहाँ पे नहीं थे, हम थे कवाई के एक्चुअली ट्रायल में, बट मैं यहाँ पे आ गया पहले क्योंकि ये काम करना ज़रूरी है। तो हमारे पास एक पोईपॉल है एंड लिटरली मैं तुमको बताऊँ ना तो तुमने बोला था इसको इवॉल्व कराने के लिए तुमको एक ड्रैगन टाइप मूव चाहिए। अब इन मोहतरमा के पास तुम्हारा ड्रैको मीटियोर एक्चुअली अगर तुमको याद हो लास्ट एपिसोड में भी हमने इनसे बात किया था। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो पोईपॉल ये ड्रैगन पल्स बिल्कुल मतलब ड्रैगन ड्रैगन ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ड्रैको मीटियोर एक्चुअली होता तो ड्रैको मीटियोर वो नहीं सीख सकता। एंड अभी मेरे पास टीएम एक्चुअली बहुत सारे हैं तो लेट मी जस्ट ट्राई मैन, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब ट्राई किया था तो मेरे को लगा कोई नहीं सीख सकता ये। ओके लेट मी जस्ट ट्राई कि अगर मैं कोई सिखाने का कोशिश करूँ भाई ड्रैगन क्लॉ ये नहीं सीख सकता। चलो ठीक है उसके पास क्लॉ नहीं होंगे एंड दैट्स इट बॉयज, भाई मेरे पास है ही नहीं, मतलब मैं क्या करूँ अब। इसको इवॉल्व कराने के लिए मैं भूल गया था कि मेरे को एक ड्रैगन टाइप मूव लगेगा एक्चुअली। वेट मार्ट में मिलता है क्या, मार्ट में टीएम मिलते हैं क्या? अगर देखो ऐसा नहीं होगा ना, मार्ट में अगर नहीं मिलेगा तो मैं नेग्नेडल को रख लूँगा, भले ही मुझको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये थोड़ी दिक्कत वाला बात है। लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे तो नहीं है, दूसरे वाले अंकल जी माइट भी दे पॉकेट वाई। भाई खिलौने वालों से हमको नहीं खेलना। वैसे क्या होता है पॉकेट वाई से तुमको पता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे को तो भाई बिल्कुल नहीं पता। ये भाई ये हुई ना बात, यहाँ पर ड्रैगन पल्स है क्या? थंडर ओके ओके नाई वेट वर्ट यहाँ पे नहीं है। व्हाट डू यू थिंक सो कि मेरे को दूसरे टाउन में जाके चेक करना चाहिए क्या? एक बार मैं दूसरे टाउन में चल के देखता हूँ। ओके तो फिलहाल हम जा रहे हैं अभी उला उला टाउन के मलाई आइलैंड में, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे मुझको लगता है कि हमको थोड़े से टीएम मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट वाला हमारा स्टॉपेज वही है। एंड अगर पिछले टाउन में ज़्यादा जाएं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे हमको नहीं मिलेंगे टीएम्स, तो माइट भी हमको यहाँ पे मिल जाए। सेकंड वाले अंकल जी से हम बात करके थोड़ा देखते हैं। अंकल जी प्लीज़ ड्रैगन पल्स रखना, मेरे ख्याल से वो ड्रैगन पल्स सीख सकता होगा। नहीं यार इसके पास भी नहीं है, साई अप यू टर्न है। लेट मी ट्राई अगेन, भाई कोई दूसरा जगह चल के मैं फिर से देखता हूँ। ओके तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए आ गया हूँ रूट 16 पे, माइट भी यहाँ पे हमको मिल जाए। यहाँ पे स्टोर वाले हैं ही नहीं, मतलब एक ही पर्सन है आई थिंक सो, मैं नहीं कर सकता। तो एक्चुअली मेरे को करना क्या चाहिए, मैं नेग्नेडल को सीधा ले लेता हूँ, बट हाँ मेरे को अब थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसको, नहीं तो भाई ये होने वाला नहीं है, लाइक हाँ बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके चलो मैं इसको मूव कर लेता हूँ, मेरे को शुरुआत से रख सकता था मैं चाहता तो, बट कोई बात नहीं। अब फिलहाल के लिए मेरा टीम लगभग कंप्लीट है, अब मैं ज़्यादा टीम को चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि एक तो मुझको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एंड अभी तुमको पता ही है कि इलाइट 4 कितना पास है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं एंड हमारी मंजिल रहेगी नेक्स्ट पोनी आइलैंड में, नहीं इधर पर मिली मिली तो बहुत पीछे हो गया, अकाला आइलैंड में ना हमको जाना था आई थिंक इस रीज़न में एक्चुअली रूट 7 में, क्योंकि यहाँ से हमको वो ट्रायल मतलब बहुत पास में पड़ेगा एक्चुअली। अगर तुमको लास्ट टाइम याद हो ना तब जब हम गए थे तो वहाँ पे वो मैरोवैक डांस कर रहा था, मतलब हाँ लाइक सीरियसली। एंड हमको वहाँ पे कुछ स्पॉट करना था कि क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं डांस में एक्चुअली। ओके लेट्स सी, ये यहाँ पे एक पोकेमॉन अपीयर हुआ एंड दिस माइट बी सिंपल वन। ओके बॉयज लेट्स गो लेट्स गो, आई थिंक मेरे को इधर साइड जाना था ना, मैं रास्ता ही भूल जाता हूँ, मतलब हाँ मतलब बहुत पहले ही गए थे, भूलना तो ऑफकोर्स है ही। ओके हमको यहाँ पे जाना था, चलो हम ट्रायल पहुँच चुके हैं बॉयज लेट्स सी। भैया जी विला वोल्केनो पार्क, भाई कहाँ है तेरा कैप्टन, ये आदमी तुमको याद है ये हाइकर वाला आदमी, मतलब हाँ चलो ठीक है। वहाँ पे तुम वो नज़ारा देखो मैन, भाई सीरियसली लास्ट टाइम मैंने नहीं देखा था शायद, लेकिन वो वोल्केनो से जो वेपराइज होकर वाटर ऊपर आ रहा है ना, दैट्स लुक्स ऑसम मैन, बिल्कुल लग रहा है कि हम आसमान की ऊंचाइयों पे हैं एंड यहाँ से हम बादल को देख रहे हैं। ओके अंकल जी आप बताओ आप यहाँ कर क्या रहे हो, आपके कैप्टन कहाँ पे हैं? अलूला नाउ मैं कौन हूँ? अरे तुम वही भद्दे बेस्ट तो नहीं, उतने ही ओल्ड मैं नहीं बोलूँगा, धाड़ी वाड़ी थोड़ी निकल नहीं नहीं भी निकली है, बट जस्ट से द हाइकर मैन, मतलब कॉमन आंसर। तुमको देख के अच्छा लगा, तुम देख रहे हो कवाई को, वो ओ राइट देयर, कहाँ? अच्छा आ भी गया ये आदमी। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जगह लेने के लिए जब मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे अच्छे हाइकर। तुम देख सकते हो, तुमको ये कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे वॉल्केनो पे रह के डांस करना मैरोवैक और तुम्हारे साथ, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है।
यस, इसी तरह की सॉर्ट ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग ने मुझको बनाया जो मैं आज हूँ। दैट्स वाई मैं सोच रहा था कि तुम एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हो अगले कैप्टन के लिए। मेरी बात एक्चुअली मतलब हाँ हो भी सकता है, हमको क्या है, लेकिन ये चलो कोई बात नहीं। अभी मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, लेट्स सी। मैं सोचता हूँ तुमको ये उसको कहना चाहिए जो कैप्टन बनना पसंद करेगा ये जॉब लेने के लिए। ब्रो मैं उस टाइप का नहीं हूँ जो हेल्प कर सकता हूँ ट्रायल गोअर को या फिर मैरोवैक को जो यहाँ पे रहती है अपने फुल पोटेंशियल के साथ। चलो ठीक है भाई, एक्चुअली मतलब यहाँ हो क्या रहा है, मैं तीन बार मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि गड्डी वड्डी बहुत चल रही है यार, इसलिए मैं सुबह में रिकॉर्ड नहीं करता। बट या कोई बात नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था रात में, इसलिए मुझको अभी ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर तुमको थोड़ी सी नॉइज़ आती है तो मुझको माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि वो ठीक हो जाए। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग चीट्स एक्टिवेट कर लेते हैं 60 FPS की, ताकि यहाँ पर बैटल जल्दी से हो जाए। वैसे यहाँ पर फॉर्टफेच है ना, मतलब गलारियन फॉर्टफेच रहता तो वो अलग रहता है। मतलब गलारियन फॉर्टफेच मतलब क्या बोले उसको मैं, वो थोड़ा ईविल टाइप का लगता है मेरे को। चलो हम ब्लैक होल इकलिप्स करते हैं, आई थिंक एक मूव में वो चला जाना चाहिए। यस, हमारा काला जादू टकराए, दिखा दे अपनी मतलब शक्ति, काली शक्ति एक्चुअली। ब्लैक होल इकलिप्स, अरे भाई गड्ढा हुआ, कहाँ गया फॉल्ट पैच। ओके मैन, लेट्स सी इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आता है। नेग्नेडल 13 पे पहुँच गया, वही हम सॉक नहीं सीखना चाहता है। नेग्नेडल एक्चुअली 65 है इसका डैमेज ना, आई थिंक मेरे को एसिड हटा देना चाहिए। 40 डैमेज इसका भी है, फ्यूरी अटैक, हेल्पिंग हैंड, ग्राउल ही हटा देते हैं। मैं तो ग्राउल को देखा ही नहीं था कि ग्राउल इसके पास है, मतलब अभी के लेवल पे ग्राउल कौन सीखना चाहेगा। 15 पे पहुंच भी गया बताओ। शीलियोस कौन सा पोकेमॉन है, आई थिंक वाटर आइस टाइप माइट बी, आई थिंक सो। आई थिंक मेरे ख्याल से कीरा यहाँ पे काफ़ी रहना चाहिए। आ जा भैया कीरा, हम दोनों इसके डेथ नोट में नाम लिखते हैं। ओके लेट मी यूज एक्स सीजर्स मैन, आई डोंट नो सुपर इफेक्टिव नहीं है, माइट बी। ओ क्रिटिकल हिट मैन, देख रहे हो मतलब किस्मत देख रहे हो, दो के दो मूव्स एंड दोनों क्रिटिकल हिट। हैपनी, ओके हैपनी कौन सा पोकेमॉन है ये भी मेरे को नहीं पता भाई, मेरे मतलब मैंने ज़्यादा एनिमे देखा नहीं है ना, इसलिए मेरे को पता नहीं है। आई थिंक मेरे को पीलो को लाना चाहिए, बहुत देर से मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, तो ये भी अच्छा रहेगा कि हम पीलो को ट्राई करें। आ जा भाई हमारे साथ पी लो। हाँ लेट मी वो सुपर सोनिक मैन, भाई हो गया इसका काम तमाम, मैं उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, एंड कंफ्यूजन के चक्कर में मैंने खुद को मार लिया मतलब। हाँ कोई बात नहीं, ओके ओके स्वीट केस भाई, ये बस किसी देते रहेगी मतलब क्या। भाई ओके ये ले तू, मेरे ख्याल से उसका एज डिफेंस काफ़ी अच्छा होगा, तो बेटर यही रहेगा कि मैं पोकेमॉन चेंज कर लूँ। या मेरे को लग रहा था उसका एज डिफेंस काफ़ी अच्छा होगा। आई थिंक कीरा का एक मूव उसको नॉकआउट कर देगा, कीरा का बुलेट पंच माइट बी, क्योंकि फेरी टाइप मुझको लग रही है, तो एक स्टील टाइप मूव में तो ये ढेर हो जानी चाहिए। ओके लेट मी सी बॉय, या बॉय या वीरा बात मतलब। हाँ चलो ठीक है, और तो ये गया, आई डोंट नो कितने ट्रायल्स को और लड़ना है। अगर तुमको याद हो तुमको 3 पेटल्स मिल चुके हैं, एक तो खुद मीनू ने दिया था एंड दो हमको वहाँ पर मिले थे। सो या बॉय ये काफ़ी अच्छा है, एक बार ये भी बैटल करेगा क्या भाई। चलो ठीक है, मेरे को लग नहीं रहा था बट चलो ठीक है, तू करना चाहता है तो मैं तेरे को हार का स्वाद चखा देता हूँ भाई। ओके ओके एक डार्क टाइप के सामने एक फेरी टाइप पोकेमॉन सही नहीं है, आ जा भाई कीरा एक बार। मेरे ख्याल से कीरा अगर नहीं, कीरा का मैंने स्टील टाइप वाला नहीं दिया ना, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। चलो ठीक है, अरे मेरे को जी क्रिस्टल से याद है, मेरे को वो भी तो करना है। मैं करूँगा क्या, नेग्नेडल को वो पॉइजन टाइप वाला जो जी क्रिस्टल रहता है ना वो दे दूंगा, तब बिल्कुल सोच रहे हो कितना मस्त रहेगा। मतलब मैंने कभी देखा नहीं है कि जी मूव में पॉइजन टाइप कैसा रहता है, बट या वो मस्त रहेगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। ओके बॉय चलो ठीक है, हमको नेक्स्ट कैप्टन की ओर तुम ले जा सकते हो, हमको एक पीटल मिल गया, बहुत हम खुश हैं। वो एनर्जी जो विला वोल्केनो के अंदर जलती है हमारे लिए भी जलती है एज वेल। ओके चलो ठीक है, हमको फिर हॉकलानी के ऑब्जर्वेटरी में जाना है, अगर तुमको याद हो वहाँ पे तो वो चार्ज बग वाला इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था ना, मतलब चार्ज बग थे वहाँ पे। ओके बॉयज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इजिली, तो आपको फ़िलहाल के लिए अंदर जाना है, एंड लेट्स सी कि आई होप वो ज़्यादा परेशानी ना करे। एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक टाइप का था ना, तो मेरे ख्याल से मेरे को फर्स्ट में किसको रखना चाहिए। मैं यहाँ पे राइट तो यूज़ नहीं कर सकता, मेरे को पोकेमॉन देखना है एक्चुअली, तो मेरे को फिलहाल से हम लोग यहाँ पे ज्वाला को ट्राई कर सकते हैं, वही बढ़िया चॉइस रहेगा यहाँ के लिए। चलो ठीक है, आई होप मतलब हाँ उसका भी थोड़ा लेवल अप हो जाएगा।
चलो ठीक है भूतनाथ, तेरा टाइम खत्म, अभी फिलहाल ज्वाला को थोड़ा इंजॉय करने दो। अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, आई थिंक यहाँ पे था उसका वो जो, एक्चुअली यहीं पे है। ओके भैया तू बताओ। वेल सोफी आई गेस दिस विल बी गुड बाय फॉर लिटिल व्हाइल। कहाँ जा रहे हो तुम? टोगेमारो एक्चुअली लास्ट टाइम तुमको याद है तो उसने वो ज़्यादा मैनेज कर दिया था, मतलब हाँ ओके। ही आई लो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे फेवर के लिए जो तुमने पहले किया था। अब उतना करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हमको वो पेटल चाहिए, तो तुम जल्दी से नहीं तो बैटल करो या फिर हमको यहाँ से जाने दो। आई एम रेडी फॉर यू। ओके 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 लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो बॉयज। टाइम हो चुका है कि हम एक और ट्रायल लें और यहाँ पे हम लोग अपना 60 डे अपीएस अनीसा की तरह ऑन कर लेते हैं। इसके चेहरे पे पसीना क्यों रहता है, मतलब हाँ कितना डरते हो तुम। ओके पीजीएस का फर्स्ट पोकेमन, मैं एक्चुअली भूल गया था कि यहाँ पे रैंडमाइज है ना, तो वो टाइप इफेक्टिव वाला कुछ काम नहीं करेगा, बट चलो ठीक है फिलहाल के लिए हम लोग जी मूव यूज़ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो हमको। एक ही मूव में हम पिजियोटो को हरा दें। पिजियोटो भैया ओके, इन्फर्नो ओवरड्राइव हाई हाय, आग का गोला एंड ये जल के भस्म हो चुका है। ओके लेट मी सी कि इसका नेक्स्ट पोकेमन कौन सा आएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। ज्वाला भैया 55 पे पहुंच गया, नेगनेडल 19 पे ही एक्चुअली। अरे हमको उसको जल्दी जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा। आई होप मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, इधर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, लाइक सीरियसली टाइम नहीं मिल रहा। ओके ओके वेपन बॉल है, आई डोंट थिंक मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है, विपिन बैल एक्चुअली विपिन बॉल नहीं। ओके हम लोग फिलहाल के लिए फ्लेम थ्रोअर यूज़ कर लेते हैं, एक मूव तो काफ़ी रहना चाहिए। अरे नहीं एक मूव में नहीं गया। ओके पॉइजन, अरे भैया ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, ये लो फिर से। ओके ओके आई थिंक कि काफ़ी है या फिर नहीं, 20 ओके चलो ठीक है, नेगनेडल 21। एक पोकेमन और है इसके पास, वो देखना है हमको, वाल प्लूम एक्चुअली। ओके वाल प्लूम के लिए मेरे ख्याल से कीरा काफ़ी रहना चाहिए, बग टाइप मूव मेरे ख्याल से उस पर सुपर इफेक्टिव होंगे ना, तो हम लोग बैट एक्स सीजर्स करते हैं एंड एक एक्सरसाइज में माइंड भी वो चला जाए। लेट मी सी बॉय, नहीं एक्चुअली वो सुपर इफेक्टिव है ही नहीं भाई, ये भी पैरालाइज हो गया। वाट क्यों ऐसा क्यों, अरे भाई ये तीसरा मूव क्या हो रहा है, क्या कौन सा जादू कर दिया इसने, तीन मूव कभी नहीं लगते, तुम ही बताओ भाई। चलो ठीक है अब चौथा मूव जाके इसको लगाया है, लाइक सीरियसली चौथा मूव लगाया है, बुलेट पंच ले भैया। अरे थोड़ा सा बच गया, लाइक बहुत थोड़ा सा, ये ले एक एच पी बचा होगा माइट भी, एक या दो जो भी है। फिलहाल हम तो यहाँ पे जीत चुके हैं एंड आई डोंट नो कि अभी कितने ट्रायल्स है यार, ये ट्रायल वाले ओके स्वॉर्ड डांस तो सीखना चाहता है। एक्चुअली स्वॉर्ड डांस एक अच्छा मूव है तो मैं चाहूँ तो सिखा सकता हूँ, थोड़ा सा अटैक लेवल राइज होता है ना, मैं क्विक अटैक को हटा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को हटाना नहीं चाहिए, बट हाँ कभी कभी तुमको अपने स्टेट्स के साथ भी खेलना चाहिए। मतलब स्वॉर्ड डांस से कुछ ऐसा होता नहीं है कि तुम उसको डैमेज दो, बट तुम्हारा अटैक एक्चुअली राइज कर जाएगा, वो मस्त रहता है। ओके बोबो बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म, और हमको एक येलो पीटल मिल चुका है, तो भाई जल्दी से जल्दी हमको आज मीना का ट्रायल कम्प्लीट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाया था तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा चैट स्किप कर रहा हूँ आज के वीडियो में। ओके बॉय एंड हम पहुँच चुके हैं फिलहाल के लिए कहीं और पे, ये बॉय ओके मीना का ट्रायल के लिए हमको यहाँ पे जाना है। इसमें इसमें कौन था, वो था मतलब वो लड़की थी ना भूतिया लड़की, क्या नाम है उसका, गॉश शायद से। चलो ठीक है तेरे को और क्या है, अच्छा यहाँ पे नेक्रोजुमा की थोड़ी सी बातें चल रही है, जो टीम स्कल ने ये किया वो किया, टीम स्कल तो यही है ना इसका कैप्टन फ्रेंड। चलो ठीक है गुजमा भाई, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हमको ट्रायल मतलब ले चलो आगे कंटिन्यू जहाँ पे करना है। हमको मिल चुका है ग्रिप क्लॉ, आई डोंट नो इसका क्या यूसेज है बट हाँ मिल चुका है हमको, तो कुछ ना कुछ तो यूसेज होगा ही। ओहो अरे एक्चुअली मैं 60 FPS बंद करना भूल गया, तभी तो मैं सोच रहा था कि इतना स्पीड में क्यों चल रहा है। ओके 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 भैया और बताओ, चलो टट्टा बाय बाय, हमको फिलहाल के लिए अंदर जाना पड़ेगा, अंदर मेरे ख्याल से वो होगी गोस्ट वाली लड़की, नहीं नानू है, अरे नानू अंकल डायरेक्ट दे दो, बोल रहा हूँ मैं मतलब ऐसे भी आप जीतने वाले हो नहीं, अरे मैंने पोकेमन को हील नहीं कराया, लाइक हाँ मैं भूल कैसे जाता हूँ यार हील कराना। ओके हमको डायरेक्ट मिल गया, थैंक यू वेरी मच अंकल जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, मतलब आपने मेरी दिल की बात सुन ली। ओके अब फिलहाल हमको जाना कहाँ पे है, तो एक्चुअली गाइस हमने सारे पिटल्स कलेक्ट कर लिए हैं,
तो अब भी फिलहाल के लिए हमको चलना पड़ेगा पोनी आइलैंड में, आई थिंक पोनी ही नाम था, हाँ पोनी ही नाम था। लेट्स गो बॉयस। अच्छा पोनी इधर चला गया भाई, आई थिंक यहाँ पे था या सीफोक विलेज में। सीफोक विलेज में हमको जाना है उसके घर पे ना, क्योंकि वो घर पे ही रहती है। आई थिंक अभी हमको जल्दी से जल्दी वो मिल जाए, अपना लास्ट वाला ट्रायल हमारा कंप्लीट हो जाए, देन हम इसके आगे जा सकते हैं। एंड हमको जानना होगा पहले करना क्या है। तुम लोग कमेंट करके बताना कि हाँ हमको करना क्या है। अब इलाइट 4 के लिए डायरेक्ट निकलना पड़ेगा ना, अगर मेरा ये लास्ट ट्रायल हुआ तो हाँ इलाइट 4 के लिए निकलना पड़ेगा। बट तुमने बोला था कि मैं नेक्रोजुमा को पकड़ सकता हूँ इलाइट 4 को कंप्लीट करने से पहले, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा। एंड इलाइट 4 से पहले जाने से पहले मतलब मेरे को नेगनेरल को भी ट्रेनिंग करना है, मतलब ट्रेनिंग देना है यार, क्या क्या करना है मेरे को। तो माइट भी थोड़ा सा वो लेट हो सकते हैं वीडियो। फिलहाल के लिए तो हमको यहाँ पे जाना है, आई थिंक ये था ना, नहीं ये नहीं था इसका घर, आई थिंक इधर साइड था इसका, हाँ इधर साइड ही था एक्चुअली, ये वाला था। मीना नाम था एक्चुअली। हाँ भाई मैं नाम ही भूल जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। वेलकम बैक काइला, क्या तुमने सब कुछ कर दिया? हम कैप्टन्स बहुत पसंद करते हैं कि तुम जैसे बच्चे कैसे इस तरह से अपनी टीम को ग्रो करते हो। ट्रायल गोर और या फिर वो जो ट्रायल गोर को देखते हैं, हम सबको शेयर करना चाहिए वो जॉब उनके साथ, हमारे पोकेमन का जो हमें पता हो। ऑलराइट देन, मुझे तो सातों सारे बीटल्स जो तुमने कलेक्ट किए हैं एक सेकेंड के लिए, क्या तुम दोगी? हाँ एक्चुअली तुम्हारा ही है, तुम लो या फिर जो करो, बट हमको ट्रायल कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, वो देख लो एक बार। ओके इसने फ्लावर के साथ कुछ किया। हियर यू गो, एक रिवन फ्लावर। अच्छा इसने पूरे को मैचअप करके एक फ्लावर का वो रिवन बना दिया, रिवन फ्लावर। क्या कर सकते हैं हम इसको, मतलब हाँ क्या ही कर सकते होंगे, रिवन है अगर तो, रैनबो था एक्चुअली, मैं रिवन की बोल रहा था। ओके रैनबो फ्लावर, उसका हम क्या कर सकते हैं, ड्रेस लगा सकते हैं। आई डोंट नो ये क्या है, ये क्या है, क्या ये, अरे भाई 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 भाई, ओ रे बोम्बी, एक टोटम पोकेमन। आई थिंक इसके साथ हमको कहीं बैटल तो नहीं करना, हाँ हो सकता है। ओके एक टोटम रिबोम्बी, आई थिंक मैंने कुछ कर दिया है क्या। ओके मैं भूल गया था, मैंने 30 FPS का क्लिक करके रख दिया वो, मतलब कुछ हो जाता है जब मैं ये करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तो हम लोग ये कर लेते हैं अपना जी मूव। एंड एक ही मूव में मेरे ख्याल से वो चला जाना चाहिए, फायर टीप काफ़ी रहना चाहिए उसके लिए। भाई स्पेशल अटैक उसने बढ़ा लिया, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ओके हमारे पास शक्तियाँ आ रही है धीरे धीरे। इन्फर्नो ओवरड्राइव हमारे ज्वाला, एंड What? नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरे को लगा एक मूव में हम जीतेंगे। हाँ ओके अरे मैंने किस पे कर दिया यार, ये मेरी सबसे बड़ी भारी प्रॉब्लम है, मैं दूसरे पोकेमन पे क्यों क्लिक कर देता हूँ। अब बताओ मैं ब्लेसी पे फ्लेम थ्रोअर करके क्या करूँगा, लाइट स्क्रीन। ब्लेसी वैसे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको हम बाद में हराएंगे। बट हम लोग फिलहाल के लिए करते फ्लेम थ्रोअर रिबोम्बी पे। ओके व्हाट हेल्पिंग हैंड बॉस बी। ओके ओ भाई बग टाइप मूव से हम हार गए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अगर यहाँ पे सोच रहा, अरे यार मैंने क्यों किया, मैंने फिर से वही गलती की। देखो बुलेट पंच मेरे को करना चाहिए था रिबोम्बी पे, मैंने कर दिया इस पे। अरे यार मच ले नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि हम बचने वाले हैं। अब हो गया हमारा काम तमाम बॉयज, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस, मुझको बचा के रखने चाहिए था अपने पोकेमन, मैंने जानबूझ के अपने पोशंस वगैरह यूज नहीं किए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं तुरंत में जीत सकता हूँ यार। सेट ये क्या बात हुई वाला यार, चलो ठीक है जल्दी से हम लोग चलते फिर से। भाई लास्ट टीम मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं हार गया इससे, लेकिन नहीं इस बार मैं नहीं हारने वाला, इस बार रिबोम्बी हम बदला लेंगे, हम तुमसे बदला लेंगे। ओके तो इस बार मैं करता क्या हूँ कि फर्स्ट मूव में माइट भी वो उसका कुछ एबिलिटी रहता है ना, मतलब बैरी वाला कुछ रहता है, तो हम फर्स्ट मूव करते ही नहीं है अपना जी मूव, हम लोग फिलहाल पहले फ्लेम थ्रोअर करते हैं। अरे भाई फिर से इसने डांस किया वो, इससे इसका स्पेशल अटैक बढ़ जाता है और वो स्पेशल डिफेंस भी बढ़ जाता है, ये थोड़ा गंदा चीज़ है, नहीं तो सब कुछ सही है। सुपर इफेक्टिव था वो, डैमेज दे लिया उस बैरी से, एंड हमारा उसका फिर से एलोआई आ गया, एक्चुअली पैले पर वाइट
चैंसी आनी चाहिए थी। मेरे को चेंज नहीं करना एक्चुअली, मैं एक बार अभी जी मूव यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम यही दिक्कत हुई थी। तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से अगर इसको एक मूव लगाती है तो उसी में ढेर हो जाएगी। एक मिनट, ओके ओके ओके, हमारा आग का गोला तैयार हो रहा है। आई थिंक एक मूव में वो चली जानी चाहिए, हाँ चली जानी चाहिए। लेट्स सी बॉयज। एंड भाई बहुत खतरनाक डैमेज दिया तूने, मतलब हाँ मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा था यार उससे, क्योंकि एक बग टाइप पोकेमॉन है, उसमें सुपर इफेक्टिव है फ्लेम थ्रोअर, फिर तो जाना चाहिए था उसको। कोई अटैक रहता यहाँ पे मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट उससे पहले तो ये ले पहले फ्लेम थ्रोअर भैया। ओके थोड़ा सा बाकी है, मतलब थोड़ा सा नहीं, येलो पे ही है। अरे भाई ये भी सुपर इफेक्टिव मूव कर रहा है। आई थिंक एक मूव मैं और कर दूँ इसको तो मेरे ख्याल से मेरा कीड़ा उसको संभाल लेगा फिर बग बॉयज। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब सारा काम तो कीड़ा पे छोड़ दे, कीड़ा अकेले सब कुछ कर लेगा यहाँ पे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि कीड़ा पे बिल्कुल भरोसा है मुझको। आई थिंक एक बुलेट पंच। तुम सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं पहले पर में मूव कर देता था, मतलब हाँ जल्दी जल्दी में हमसे हो जाता है, बट चलो कोई बात नहीं। आई थिंक अभी हम जीत चुके हैं, एक मूव और लगेगा। स्टॉक पिल से भाई कितनी भी दवाइयाँ खा ले तो मतलब उससे दो ही स्टेज तक, मतलब बढ़ तो जाता है तुम्हारा टू स्टेज तक का स्टेट्स एक्चुअली, बट वो दो ही चांस तक रहता है, मतलब दो मूव के बाद वो फिर से नॉर्मल में हो जाएगा, तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। 26 पे हमारा नेक लेडल पहुँच चुका है भैया, एक और पोकेमॉन है वहाँ की, जल्दी से इसको भी हरा देते हैं बॉयज। एंड मेरे ख्याल से इसके लिए नाइट स्लैश काफ़ी रहना चाहिए, हाँ नाइट स्लैश नहीं एक तो नहीं होगा। अरे भाई इतना कम डैमेज कौन बोला, नहीं इतना कम डैमेज में भाई क्या स्कल से बर्न, एक वाटर टाइप मूव से बर्न कैसे हो सकता है, मतलब कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल मैन, हाँ कैसे हो सकता ये। ओके कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा हम भाई, बर्न फिर से। अरे इसका क्या है मेरे को पता नहीं था ये, चलो कोई बात नहीं फिलहाल के लिए हम लोग अपना वोल्ट फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन वोल्ट करते हैं एक्चुअली। अरे फिर भी नहीं हारा ये, अच्छा पोकेमॉन लग रहा है वो, स्टॉक पिल्स मतलब दवाइयाँ खा के इसने जो अपनी स्टेट्स बढ़ाई है ना वो इसके काम आ रही है एक्चुअली, तभी तो मैं सोचूं कि कीरा का वो अटैक इतना कम डैमेज क्यों दिया, क्योंकि ज़्यादा डैमेज देना चाहिए था उसको। ओके आई थिंक मेरे को फिर से 30 FPS एंड या दैट्स इट बॉयज, चलो ठीक है मेरे ख्याल से देखते हैं हमको नेक्स्ट करना क्या, हमको किधर जाना है, मीना कुछ बता सकती है। अरे अरे हाँ 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 बस बस, अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक परफेक्ट पिक्चर है तुम और तुम्हारे नेक नीडल की। ये टिकटॉक वाली बीमारी है, यहाँ पे कैसे आ गई, मतलब टिकटॉक पे तो सिर्फ गोलियाँ चलती थी, मतलब नकली गोलियाँ, यहाँ पे नकली कैमरा चल रहा है, मज़ा आया। ओके चलो ठीक है हमने उसको हरा दिया। तुम बहुत ग्रेट हो आइला, तुम एक ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर हो, सो हियर यू गो एक पीस ऑफ फेरियम जी। अच्छा तुम वो डांस करके दिखाओ ना कि कैसे करते हैं वो, देखते हैं मतलब परियों वाला डांस इसको हम कहेंगे। देखो डार्क टाइप का जो था वो काला जादू एंड ये परियों वाला डांस। ओके लेट्स सी बॉयज की परियों वाला डांस कैसे किया जाता है, अभी तुम लोग भी सीख लोगे एंड साथ में हम लोग भी करेंगे कभी अगर हमको कोई फेरी टाइप मूव मिल गया। एक्चुअली मेरे पीलो के पास है शायद से, सही में क्लोज होके देखो। ओके अरे भाई ये हुई ना बात, छोटी परी वाली मतलब पापा की परी वाली परियो वाला डांस। ओके आई थिंक अभी हमको ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम पहले जाओ ग्रैंड ट्रायल में हप्पू का, दैट्स प्रिटी एक्साइटिंग। हप्पू का ग्रैंड ट्रायल ना, अच्छा चलो ठीक है हम लोग नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है एंड हमको और क्या क्या करना है। तुम लोग कमेंट करके नीचे से जल्दी बता दो। हप्पू आ भी गई क्या, तुमने एक एडमायरेबल जॉब कंप्लीट किया है मीना के ट्रायल को कंप्लीट करके। ओके हप्पू आई थिंक यहाँ पे ये हप्पू के साथ ये क्या नाम है इसका, कहूना नाम ही है ना, वो क्या कर रहा है, मीनिंग व्हाट ग्रैंड ट्रायल टाइम, हाँ ये हुई ना बात, यस एग्जीक्यूटर आइलैंड में हमको चलना है। व्हाट क्या बोला था उसने, मैंने लास्ट सेंटेंस पढ़ा नहीं। सो टाइम हो चुका है कि तुम जाओ अभी सबको रैप अप करने के लिए तुम्हारे आइलैंड चैलेंज को, मेरे से भी एक ऑल आउट बैटल हुआ था हाउ के अगेंस्ट मी होल्डिंग नथिंग एट ऑल बैक।
हाँ चलो ठीक है, पीछे आप नहीं भी हट सकते थे। आइलैंड चैलेंज तुम्हारी मदद करेगा तुमको जल्दी ग्रो करने में, और इन रिटर्न तुम अलोला को चेंज करते रहोगे थोड़ा थोड़ा। आई कांट इमेजिन एनीथिंग मोर डिलाइटफुल। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। कहूना अभी हमको कहाँ जाना है? ग्रैंड ट्रायल हब्बू के यहाँ जाना है, जो कि बिल्कुल एग्जीक्यूटर आइलैंड में होगा। अगर तुमको याद हो तो वो ट्रायल के लिए बना था, बट बहुत दिन से वो यूज़ नहीं हो रहा था। तो फिलहाल के लिए मैं एक बार गेम सेव कर लूँ, बट उससे पहले तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे तुम देखोगे नेक्स्ट एपिसोड? जल्दी से सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो।